बाय। चल बैठ, चल बैठता हूँ। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज का ये मेरा फर्स्ट मोटो ब्लॉगिंग है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। तो मैं सबसे पहले आपको अपना नाम बता देता हूँ। मेरा नाम सुनील कुमार है, मैं इलाहाबाद ज़िले से बिलोंग करता हूँ और मैं अभी इस वक्त सूरत सिटी में हूँ। यहाँ पे मैं जॉब करता हूँ, 12 घंटा का मेरा जॉब है तो जॉब करता हूँ। तो सोचा चलो बाइक थी अपने पास तो मोटो ब्लॉगिंग ही कर लेते हैं। हमने पहले भी ब्लॉगिंग किया है लेकिन बट क्या है कि ना कि कुछ वजह हो जाती है छोड़ने की, इसलिए हमने ब्लॉगिंग छोड़ दिया था। मोटो ब्लॉगिंग नहीं, ओनली ब्लॉगिंग कर रहे थे। आप लोग देख सकते हैं मेरा पहले का चैनल है द सुनील ब्लॉग, जिससे 200-250 करीब सब्सक्राइबर भी थे। तो उसको मुझे छोड़ना पड़ गया था, कोई दिक्कत हो गई थी इसकी वजह से। तो आज फिर से हमने स्टार्ट किया है मोटो ब्लॉगिंग। तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना। और मैं अपने पुराने चैनल की वजह बता दूँ छोड़ने की वजह क्या है, तो इतना तो आप लोग जानते ही होंगे मिडिल क्लास फैमिली के बारे में। मिडिल क्लास फैमिली ना तो ज़्यादा कमा सकती है ना ज़्यादा खर्च कर सकती है, इसके वजह से मुझे वो छोड़ना पड़ा। गांव में प्रॉब्लम थी थोड़ा, तो यहाँ पे सूरत में आ गए हैं। सूरत में 12 घंटे का मेरा नाइट में जॉब है तो जॉब भी करते हैं और सोच रहे थे मोटो ब्लॉगिंग भी कर लेते हैं। अभी बाइक लिए तो उसको ऐसे रख नहीं सकते, इसलिए सोचा कि मोटो ब्लॉगिंग भी कर लेते हैं। तो आप लोगों ने मेरे बारे में जान लिया। तो आज हम लोग गए थे हेलमेट का ट्राइपॉड लेने, जो कि मिल नहीं रहा था। 2-3 दिन से ढूंढ रहे थे तो मिल नहीं रहा था। तो थोड़ा दूरी पर गए थे, रूम से 15-20 किलोमीटर दूरी पर गए थे, तो वहाँ पर जाके मिल गया है। और आप लोग बताना ज़रूर मेरी आवाज़ आप लोगों को क्लियर आ रही है कि नहीं, क्योंकि ये सस्ता वाला ही माइक यूज़ कर रहे हैं अभी अभी ज़्यादा महंगा वाला यूज़ नहीं कर रहे हैं और फ़ोन से ब्लॉगिंग कर रहे हैं। तो अभी ज़्यादा समय नहीं लगेगा हम लोगों को उसमें, तो वहाँ जाने बहुत जल्दी। क्योंकि क्या हुआ था ना, आते वक्त हमारा गाड़ी ही फंस गया था, चेकिंग लगा था तो चेकिंग में थोड़ा फंस गए थे, हमारे पास लाइसेंस भी नहीं था। तो उसकी वजह से ज़्यादा तकलीफ तो नहीं हुआ फिर, बट छोड़ दिया उन्होंने। थोड़ा रिक्वेस्ट किया सर से तो उन्होंने छोड़ दिया, क्योंकि लाइसेंस बिना तो अभी अलाउ नहीं है यहाँ पर बाइक चलाना, एक सिटी है ना, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाता है। अभी कुछ दिनों में लाइसेंस बनवा देंगे, अभी अप्लाई कर देंगे, कल जाके अप्लाई कर देंगे तो तरह की लाइसेंस बनवा ले। अब उन्होंने पकड़ा, बोला कि बेटा ऐसा नहीं करने का, ऐसे बाइक नहीं चलाने का। हेलमेट तो हम दो जन हैं, हेलमेट दोनों जन लगाए थे, बाकी सब क्लियर था, गाड़ी का कागज़ वगैरह सब कुछ क्लियर था। लाइसेंस नहीं था तो वो तो अभी क्लियर कर देंगे उसको भी। और आप लोगों को मेरे चैनल पर मोटो ब्लॉगिंग अभी हमेशा देखने को मिल जाएगी। ओ भाई साहब, धूप बहुत हो रही यार, इतना सारा धूप कैसे बर्दाश्त करते हैं यार। बहुत गर्मी यार, इतनी बढ़ गई है गर्मी, तो 2-3 दिन से ज़्यादा बहुत गर्मी बढ़ गई। इतनी ज़्यादा गर्मी में तो हम लोग परेशान रहते हैं। हमारा नाइट वाली का ड्यूटी है, मैं रात में ड्यूटी करता हूँ, दिन में सोता हूँ। आज तो सोया भी नहीं हूँ, आज तो ऐसे ही घूम रहा हूँ खाली हेलमेट का ट्राइपॉड की वजह से, इसके लिए तो आज दिन भर घूम ही रहा हूँ। सुबह 7 बजे निकले थे, 7:30 बजे काम करके, तो 7:30 बजे निकले थे, अभी लगभग बज रहा है 12। सोच सकते हैं आप लोग कितना टाइम हो गया उसको ढूंढते ढूंढते, इतनी सारी धूप हो रखी है। ओ भाई साहब, ये क्या हो गया भाई साहब, ओ हो एक्सीडेंट यार, देखते हैं भाई साहब। ओह यार, अंदर की गाड़ी यार, इतना यार भयानक। यार कैसे हो गया यार भाई साहब, गाड़ी तो पूरा ख़त्म हो गई,
और कल जो है कल मुझे उम्मीद नहीं है कि अभी बच पाएंगे। अभी आप लोगों को दिखाता हूँ बाहर निकाल रहे हैं, मैं तो देख नहीं पाऊँ भाई सर। गाड़ी की हालत तो देखो खत्म, गाड़ी का तो कहानी खत्म हो गया है। ये लोग पता नहीं चिंता है, पता नहीं भगवान है। गाड़ी का हालत देखो, गाड़ी का देखो मतलब आगे का पूरा खत्म हो गया है। इंजन का, इंजन का तो पूरा आगे का चला गया है, यानी पूरा आगे गाड़ी, गाड़ी टकराई कहाँ यार, कुछ दिख नहीं रहा है। देखिए कहाँ टकराई गाड़ी, फिर ये आगे का गिरा हुआ है, मुझे लगता है वो दीवार से टकराई होगी। ये यहीं पर, हाँ यहीं पर चलो चले चलो चलो। देखिए इसीलिए बोलते हैं कि आप लोग भी थोड़ा ध्यान से बाइक चलाइए, गाड़ी चलाइए, कि 10 मिनट लेट पहुँचेंगे तो चलेगा, 10 मिनट लेट पहुँचने कुछ नहीं हुआ है, 10 मिनट लेट पहुँच जाएंगे तो चलेगा। लेकिन यार इतना यार खतरनाक एक्सीडेंट के मेरा तो मन टूट गया यार। कैसे हुआ यार? चले गाड़ी देखा यार, ऐसा कैसे है मतलब यार इतना तो, और कोई गाड़ी में नहीं था, और कोई था, चार लोग बैठे हो रहे देखिए भाई साहब इसी लिए बोलते हैं कहा ध्यान से गाड़ी चलाइए, और क्या हमारे को चलाइए कोई जल्दबाजी नहीं है कि आप लोग इतना जल्दबाजी में गाड़ी सब कोई चलाते हैं। मैं आप लोगों को तो बस यही सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग सेफ्टी हो, बेल्ट पहन बाइक गाड़ी चलाइए और थोड़ा धीमे चलाइए यार, 10 मिनट लेट पहुँचने में कोई दिक्कत नहीं होगी, लेट पहुँचेंगे लेकिन सेफ्टी पहुँचेंगे। आप लोग क्या आपके सामने देख लीजिए कितना मतलब भयानक एक्सीडेंट, मैंने तो ऐसा पहली बार देखा है, बट यार सब भगवान का दिया हुआ है, क्या करोगे। तो आज का तो मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा ऐसा एक्सीडेंट देख के, तो अभी का ब्लॉगिंग यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपको अगले ब्लॉगिंग में। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो आज के लिए बाय।